इस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। सीएम योगी ने भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। 6 महीने के अंदर अब दोबारा होंगी परीक्षाएं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। एसटीएफ को परीक्षा लीक मामले की जांच सौंपी गई है। तो बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षाएं की जाएंगी और इसके साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। एसटीएफ को सौंपी गई है परीक्षा लीक मामले की जांच। तो लखनऊ से हमारे साथ में निखिल जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ और साथ ही कानपुर से हमारे साथ में श्याम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे निखिल आपका। देखिए जाहिर है कि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग भी थी कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और आखिर में हुआ भी यही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में छात्रों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? जाहिर तौर पर खुशी उन्हें हुई होगी क्योंकि यहां पर जो वो चाहते थे वो हो गया। देखिए एक दो नहीं बल्कि 48 लाख छात्रों का भविष्य का फैसला है। चूंकि बड़ी संख्या में जो छात्रों ने परीक्षा दी थी, 50 लाख से ज्यादा आवेदन हुए, तो 48 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी। तो ऐसे में सभी को इस बात की समस्या थी, सभी को इस बात की जो इस बात का डर था कि अगर परीक्षा लीक हुई है, पर्चा लीक हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो वाकई में इस परीक्षा को पास करने की स्थिति में नहीं है, काबिल नहीं है, उनको जगह मिल सकती है। लिहाजा इसका आंदोलन शुरुआती दिन से शुरू हो गया। परीक्षा के होने के बाद से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो इसको लेकर विरोध करने लगे। लगातार अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया की साइटें हैं उन पर भी इस परीक्षा का जो उत्तर था वो जो है वायरल हो रहा था और ऐसे में जो छात्र थे उनकी जो संशय था वो यकीन में बदल गया। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे प्रदेश के तमाम शहरों में आंदोलन शुरू किया। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई आयोग की, जिसका मकसद ये था कि वो इस बात की तस्दीक करे कि जो पर्चा का दावा किया जा रहा लीक होने का, क्या वाकई वो परीक्षा का ही पर्चा है। तो एक बात बहुत साफ हो गई, जो परीक्षा वायरल हो रहा था और जो भर्ती बोर्ड की तरफ जो परीक्षा प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें बहुत सारे सवाल, लगभग सभी सवाल कहे तो एक हिसाब से कॉमन थे, बस सीरियल नंबर का अंतर था। तो ऐसे में ये तय हो गया कि परीक्षा को लेकर कोई ना कोई टेम्परिंग जरूर हुई है। और इसी के बाद से मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हो गए। उन्होंने कमेटी बुलाई, कमेटी बुलाने के बाद उन्होंने इस पर पूरा फैसला लिया और फैसला लेने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। जी बिल्कुल निखिल, और इसी बीच में हम रुक करेंगे श्याम का जो कि कानपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं। अब यहाँ पर श्याम देखिए, क्योंकि पहले तो इस बात को लेकर ही असमंजस की स्थिति थी कि वाकई में क्या ये पेपर लीक हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। उसके बाद बोर्ड की तरफ से भी सबूत मांगे गए थे, जिसके बाद छात्रों ने सवाल उठाए थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आखिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जगह छात्रों से ही क्यों सबूत मांगे जा रहे हैं और आखिरकार फैसला ले लिया गया, लेकिन 6 महीने का वक्त मिला है। आरोपियों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बड़ी परीक्षा को कराने को लेकर के पहले से ही बहुत गंभीर थी और यही वजह है कि लगातार एसटीएफ को सक्रिय किया गया, स्थानीय स्तर पर पुलिस को सक्रिय किया गया और बड़े पैमाने पर परीक्षा के दौरान ऐसे लोग पकड़े भी गए जो परीक्षा में सेंधमारी करना चाहते थे। तमाम जगहों पर मुन्ना भाई पकड़े गए, कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसे लोग पकड़े गए जिनका कि मिलान नहीं हो रहा था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि परीक्षा में जो सेंधमारी करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ और इसके अलावा जो पेपर दिया गया उसमें से तमाम सवाल ऐसे ऐसे थे जो आपस में मैच कर रहे थे, और जब ये बात सामने आई तो निश्चित तौर पर जो छात्रों पे आक्रोश होना था वो आक्रोश दिखाई पड़ा। क्योंकि छात्र मान रहे थे, जिन छात्रों ने सालों से इंतजार किया था, लगातार वो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और ऐसे में तमाम वो छात्र जिनको की वो पेपर आसानी से मिल गया और उन्होंने उसे जाकर के हल कर दिया, ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनका हक मारा जाएगा। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि आक्रोश सड़कों पर दिखा और जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन किए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सरकार पहले ये मानना नहीं चाह रही थी कि जो बोर्ड है वो ये मानना नहीं चाह रहा था कि इस तरीके से पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारियां की थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से पर्चा सामने आया और जो सोशल मीडिया पर्चा वायरल हुआ उसमें से अधिकतर सवाल मैच कर रहे थे, और ये पर्चा जो लीक होने की बात कही जा रही है सुबह 10 बजे के आसपास कही जा रही है जबकि परीक्षा दोपहर में हुई, तो ऐसे में ये पेपर जिसको भी मिला तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। तो यही आक्रोश
का विषय था छात्रों में और सरकार ने उनके आक्रोश को समझा यही वजह है कि जांच कमेटी बैठाई गई और उसके बाद परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। चलिए ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। निखिल आपका भी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। कासगंज हादसे में बीएसपी अध्यक्ष मायावती